नमस्कार दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए साथ ही उम्मीदवार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों अभी तक जितने भी ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं या फिर ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उनकी जानकारी नहीं है दोस्तों साथ ही अगर उनकी जानकारी नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने वाले हैं और नहीं बनाएंगे तो उनको क्या दिक्कत होने वाली है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आप सभी को जानकारी बताओ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो लिस्ट होती है वो अधिसूचना जारी होती है उसी दिन जारी होती है और अधिसूचना जब भी जारी होती है दोस्तों उससे छः से सात दिन के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं अब आपको पता ही होगा जितने भी उम्मीदवार हैं वो यही गलती करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते बनाते हैं और नहीं बनाने के बाद क्या करते हैं साथ में सभी उम्मीदवार जितने भी हैं सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने को निकल जाते हैं तब क्या होता है दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वो अप्लाई करते हैं दोस्तों उनमें उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है पैसा खर्च करने के बाद भी क्या होता है उनको बहुत घूमना पड़ता है बहुत ही परेशानी के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं जिनमें उनको दो से पांच हजार सात हजार हो इतना सब पैसा से बचना चाहते हो और उन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही बनाना चाहते हो दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इससे पहले आपको इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों सबसे पहली जानकारी बता दूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही बना लेने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में अगर परेशानी है तो उनको ठीक कर लेना है वो आज के वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं सबसे पहले आधार कार्ड दोस्तों आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है नाम को लेकर जाति को लेकर और साथ ही जो एड्रेस होता है उसको लेकर दोस्तों अगर आपके नाम में परिवर्तन है या फिर अगर आपका नाम जो भी है उसके नाम के बाद अगर जो आपकी जाति को लेकर प्रॉब्लम है अगर आपका कुमार लिखा हुआ है यश जो आपके नाम मतलब आपकी जो जाति है वो लिखी हुई है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आधार कार्ड सेंटर पर जाकर या फिर ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर उसको सही करवा लेना है वोटर आई कार्ड दोस्तों अभी तक आपकी वोटर का आईडी कार्ड जो है वो आपके पास नहीं है तो आपको ऑफलाइन से जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो नहीं मिला है यानी कि आपको ऑनलाइन निकल लेना है दोस्तों वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना आपको नहीं पता नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मुझे रिकमेंड करना है तो मैं आपको उसकी जानकारी भी आपको बता देना हूँ साथ ही जानकारी बताऊँ दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने उसको लेकर भी मैं जानकारी बता दूंगा इसी वीडियो के में परिवार रजिस्टर नकल दोस्तों परिवार रजिस्टर नकल यानी कि राशन कार्ड अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है दोस्तों तो आप मात्र चार दिन के अंदर ही आपका राशन कार्ड के अंदर आपका नाम जोड़ सकते हो दोस्तों उसकी भी अगर जानकारी नहीं है दोस्तों तो आपको जानकारी बता दो आपको अपने ग्राम पंचायत के अंदर जाना है सचिव से मिलना है और सचिव को एक फॉर्म करके आपको देना है यानी कि राजस्थान राजस्थान में एपोपेस नौ होती है दोस्तों एक राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ने के लिए एक फॉर्म होता है उसको भरकर उसको दे देना दोस्तों चार दिन के अंदर आपका नाम जो है राशन कार्ड के अंदर ऑनलाइन चढ़ जाएगा दोस्तों बच्चों की जानकारी प्रमाण पत्र दोस्तों आपका बना ही लेना है क्योंकि इस बार यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे भी बड़ी परेशानी का सबक बना हुआ है दो संतान का नियम दोस्तों यानी कि दो संतान से अगर आपकी ज्यादा है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और तो आपके दो संतान से ज्यादा भी है, तो भी हैं 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 तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, पर उसके लिए बहुत बहुत सारी दिक्कतें सारे नियम उनको पूरा करना पड़ता है दोस्तों आपके अगर दो संतान से ज्यादा है तो आपको नीचे कमेंट करना है जिससे आने वाली वीडियो के अंदर पूरी कंफर्म जानकारी आपको बता देंगे दोस्तों साथ ही आपको दोस्तों जानकारी चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली दोस्तों यानी कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बना लेना है अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं और बाद में अगर आपके पास मांगा जाता है नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय तो करकेटर जो सर्टिफिकेट बनाते हैं दोस्तों उसमें बनाने के लिए तकरीबन तीन से चार सौ रुपए फिलहाल अभी लगने वाले हैं तो बाद में जब आप बनाने जाएंगे जब उम्मीदवार करते हैं तब बनाने जाएंगे तो आपको 800 से हजार रुपये एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के ही लग जाएंगे तो अभी से फिलहाल आपको बना लेना है कहीं ना कहीं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके काम आने वाले हैं साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स में जो परेशानी वो भी सुधर ही जाने वाली है तो कहीं कहीं आपको काम हो जाएगा दोस्तों निवास प्रमाण पत्र या फिर कह सकते तो हो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र हर किसी योजना में मांगा जाता है किसी भी आप कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों उसी में भी मूल निवास प्रमाण पत्र माना जाता है और दोस्तों आपको जानकारी बता दूं मूल निवास जो प्रमाण पत्र है जिंदगी में एक ही बार बनता है आपको पूरी लाइफ में एक ही बार निवास प्रमाण पत्र बनता है तो आपका लाइफ टाइम ये काम को आने वाला है दोस्तों तो इसको भी आपको बना लेना है जिसमें बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े संपत्ति प्रमाण पत्र दोस्तों यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान उम्मीदवार के लिए ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए जिला पंचायत या फिर बीडीसी उम्मीदवार के लिए सभी के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र दोस्तों मांगा जाने वाला है तो आपको संपत्ति प्रमाण पत्र भी बना लेना है आय प्रमाण पत्र दोस्तों आपको मांगा ही जाएगा अगर आप आय प्रमाण पत्र बाद में बनाने जाएंगे तो आपको एक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतें इसे करने मिलेंगी क्योंकि आपके जो लोग ये जो साइन हस्ताक्षर करने वाले हैं यानी कि आपके जो आयकर दाता हैं अगर आप दाता नहीं है तो भी आपको दिक्कत का कर सामना करना पड़ सकता है तो आय प्रमाण पत्र भी आपको दोस्तों बना लेना है शपथ यानी कि सरकारी योजना का लाभान्वित ना होने का यानी कि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो आपकी कोई सरकारी जॉब नहीं है दोस्तों इसके लिए कि आपको शपथ पत्र यानी कि या अद्वेता प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है एक शपथ पत्र जो आपको आपके ग्राम पंचायत के अंदर जो लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है फर्स्ट ग्रेड है उनसे बनाकर आपको देना होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो फॉर्म है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा और उसको किस तरह से भरना है उसको लेकर हम वीडियो बना देंगे दोस्तों किस तरह से आपको जानकारी भरनी है जिससे नॉमिनेशन अधिकारी जो होता है वो आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द ना करे निरस्त ना करे तो आपको इससे किस तरह भरना है उसको भी आने वाले वीडियो के अंदर बता देंगे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जाति प्रमाण पत्र सिर्फ जनरल के लिए मान्य नहीं है यानी कि अगर आप जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है कोई ये कह रहा है जाति प्रमाण पत्र जनरल के लिए आवश्यकता है तो ऐसा नहीं है जनरल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है पर अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी सीट से चुनाव लड़ रहे हो दोस्तों तो आपको आवश्यकता होगी यानी कि जनरल प्रमाण पत्र जो होता है यानी कि सर माफ़ करिए सर जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसकी आवश्यकता आपको जरूर होगी अगर आप कोई भी रिजर्व सीट से चुनाव यानी कि आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण नया फॉर्मूला लागू है तो आरक्षण यानी कि जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने ही वाली है आयु प्रमाण पत्र अगर आपके आयु जो है वो वोटर आई कार्ड में सही तरीके से है और आपकी आयु इक्कीस वर्ष पूर्ण है

में आपको किन की जानकारी में आपको प्रॉब्लम है दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा जिससे उनको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा साथ ही अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों जय भारत